हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, एक ऐसा शेयर जो हर साल 4 बार डिविडेंड देता है। मतलब ये मान के चलिए कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट जो आया वहाँ पर कितना डिविडेंड दिया और रिजल्ट कैसा रहा। तो इन चीज़ों को देखते हैं, साथ में थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा फंडामेंटल भी देखते हैं शेयर के। डिविडेंड अनाउंस तो किया है, लेकिन कितना किया है, जितना नॉर्मल था उससे ज़्यादा किया है, कम किया है, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर डिविडेंड से। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं कह रहा था हर साल डिविडेंड देता है, हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, साल में 4 बार देता है। तो आप क्लियरली देख लीजिए 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर का ये 4 डिविडेंड है, चारों 10-10 रुपये के, यानी कि 40 रुपये का टोटल डिविडेंड। इससे पहले आते हैं तो 2018 और 17 का फाइनेंशियल ईयर का देखिए 9, 9, 14, 10, ये देखिए ये भी डिविडेंड है। तो इस तरीके से बढ़िया डिविडेंड बांटता है। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, शेयर कौन सा है, इस बार कितना डिविडेंड दिया है। तो ये देखिए 21 से 22 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइस 514 का है। बात करूँ मैं डिविडेंड की तो 8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड, बहुत बढ़िया भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, हर 5 रुपये पे 1 रुपये कमाता है। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन लग रही होगी, लेकिन रिजल्ट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा। क्या ये शेयर इसी लेवल पर रहेगा या अपने बुक वैल्यू के आसपास आने की कोशिश करेगा। प्रमोटर की होल्डिंग 21% के आसपास है, चलिए ये भी देखते हैं। LIC एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है शेयर के होल्डिंग में, ये देखिए आप। कंपनी कौन सी है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जबरदस्त गिरावट की मार झेली है शेयर ने, और फिलहाल रिजल्ट को देखते हैं और डिविडेंड को देखते हैं। इस बार का डिविडेंड नॉर्मल से कम है, 8 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है इस बार का, और सितंबर 5 से पहले आपको डिविडेंड आपके अकाउंट्स में मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रिजल्ट की, रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे क्लियरली गिरावट दिख रही है प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट 790 करोड़ का हुआ है। क्लियरली 20% से ऊपर की गिरावट है। पिछले बार जो यहाँ पे टोटल इनकम थी वो 4209 करोड़ थी, इस बार वहाँ पे भी गिरावट देखने की मिली है। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर से कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, देखिए इस बार 3886 करोड़ की है, तो 7-8% की यहाँ पर भी गिरावट। अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर जून से, यानी कि जून 2018 से कंपेयर करूँ, तो मुझे यहाँ पे भी क्लियरली 25% के आसपास की प्रॉफिट में कमी दिखाई देखने को मिल रही है। देखिए 1048 करोड़ से 790 करोड़ पे प्रॉफिट आके गिर चुका है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं देखूँ टोटल इनकम, तो 4000 करोड़ से 4071 करोड़ से गिर के 3886 करोड़ आई है, तो ऑलमोस्ट 5% का गिरावट। तो ये रिजल्ट जैसे मार्केट बंद होने के बाद आया, तो इसका सीधे असर इसके प्राइस पर आज देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये शेयर जैसे रिकवरी की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ सकता है ये शेयर। अगर जब ये नीचे आएगा शेयर, तो थोड़ा सा इसमें गिरावट क्लियरली देखने को मिल सकती है। और निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो कहाँ पर लाई करता है इसका सपोर्ट। और अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो मुझे लगता है ये स्टॉक पिछला तो जबरदस्त गैप डाउन पैटर्न इसमें देखने को मिला है, तो सपोर्ट सब ऑलरेडी टूट चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। और ये शेयर निचले लेवल यानी कि 428-380 जो इसका बुक वैल्यू है ना, उसके पास आने को रेडी है। इसी तरीके से अगर परफॉर्म करेगा तो बिल्कुल उनके पास आ सकता है ये शेयर इंडिया बुल का। आपने इसकी डिटेल देखी, डिविडेंड देखा, 8 रुपये का डिविडेंड इस बार डिक्लेयर किया जो कि अमूमन से कम है, तो काफ़ी उम्मीदों को झटका लगा है इन्वेस्टर की। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।